मूर्ख दानव, ये तुच्छ वानर नहीं, किष्किंधा के महाबली महापराक्रमी योद्धा हैं। नल और नील की स्फूर्ति, गंध मादन का द्वंद कौशल, युवराज अंगद की भुजाओं का बल, जामन जी के मुगदर का वज्र प्रहार, पल भर में तुम पाषाण दानवों को धूल में मिला देगा। इन्हें तुच्छ वानर समझने की भूल मत करना। धूल में मिला देंगे हम तुम सबको, धूल में मिला देंगे, समाप्त कर देंगे। प्रभु श्री राम के कार्य से निकले हैं हम सब, और प्रभु श्री राम का कार्य कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो यही तुम्हारे साथ अंत कर देता हूँ तुम्हारे प्रभु के कार्य का। प्रभु श्री राम का कार्य कभी नहीं रुक सकता पाषाण बुद्धि दानव। लो पाषाण दानव, संभालो हनुमान का प्रहार। हनुमान जी की ही भांति टूट पड़ो इन पाषाण दानवों पर, इन पाषाणों को धूल बना दो वीरों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धूल में तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा वानर। देखो ये अंगद का वार। अच्छा, मेरे ऊपर से तुच्छ वानर। ये अंगद का पांव है जिसे हिलाने की शक्ति तुम में तो क्या पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। दूर, तुम छू भी नहीं पाओगे नल को। आओ, आओ। अग्नि किसी के हाथ नहीं आती। अग्निपुत्र नील को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है मूर्ख दानव। आओ, आओ, आओ।
पाषाण दानव। करो मुझ पर वार, देखो कितनी शक्ति है तुम में। तुझ वानर, दिखाता हूँ तुम्हें मेरी शक्ति। दानवो आओ, तुम पाषाणों को तोड़कर चकनाचूर कर देंगे हम नल और नील। गए चकनाचूर। दानव, अभी बताता हूं तुझे। पाषाण दानव तो नल और नील की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। आ, 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 आ,
हो गए सारे पाषाण दानव। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। क्षमा करें प्रभु, मैंने संपूर्ण उत्तर दिशा में ढूंढ लिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान तक जाकर देख लिया, किंतु मुझे माता सीता के बारे में कोई संकेत तक नहीं मिल पाया। बड़ा ही अभागा हूँ मैं जो प्रभु के किसी काम ना आ सका। ऐसा मत कहिए शतबली जी, मुझे तो प्रसन्नता हुई है कि आपने पूर्ण प्रयास किया है। कदापि अभी समय नहीं आया है शुभ समाचार का। प्रभु, अभी हमारे योद्धा तीन दिशाओं में और ढूंढ रहे हैं, उनमें से अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर लौटेगा। इतना प्रयास हो रहा है, परिणाम अनुकूल ही होगा सुग्रीव जी। बस इस कार्य में किसी को कोई क्षति ना पहुंचे और ना ही किसी को कोई बाधा रोक पाए। अब ये क्या माया है, ये तो पुनः ठीक हो रहा है। आश्चर्य है, इनके टूटे हुए पाषाण तो पुनः जुड़ रहे हैं। इस प्रकार तो ये सब पुनः जीवित हो जाएंगे। अब क्या करें हनुमान जी, ये तो पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार तो हम इनका अंत करते करते क्लांत हो जाएंगे और तब ये हम सबके लिए बड़ा संकट बन जाएंगे। इनको समाप्त करने का कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। यही मैं भी सोच रहा था युवराज, मैं कुछ नवीन और कुछ पृथक सा करके देखता हूं। अरे ये क्या, चलो। इस पर्वत पर ये सुसज्जित गुफा, ये तो हम पर्वत के छोर पर आ गए। आगे दूसरे पर्वत पर जाने का कोई मार्ग नहीं है। हाँ युवराज अंगद, इस दहकते हुए लावे को पार करना तो बहुत कठिन है। अब क्या करें हम, यहाँ तो इतना स्थान भी नहीं है कि हम सब खड़े हो सकें। और पीछे से वो पाषाण दानव आ रहे हैं। वे तो इसी ओर आ रहे हैं। हाँ।
युवराज अंगद। अब क्या करें हनुमान जी? युवराज, दृढ़ इच्छा हो तो मार्ग निकल ही आते हैं। तुम उपाय सोचो, मैं इन पाषाण दानवों को देखता हूं। मैं प्रभु श्री राम के कार्य को कदापि अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। बल के साथ बुद्धि का प्रयोग कर बड़े से बड़े शत्रु को पराजित किया जा सकता है।